हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत में। एक नए प्लांट की केयर के साथ आई हूँ, उसकी कंप्लीट केयर बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले ये चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आप जो ये प्लांट देख रहे हैं, ये पोर्टुलाका का प्लांट है। ये 9 o'clock, 10 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसे मॉस रोज भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये बड़ा ही प्यारा प्लांट है, बड़ी अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी दो वैरायटीज आती हैं फ्रेंड्स। ये जो आप एक सामने देख रहे हैं नॉर्मल वैरायटी है ये, और ये बरसात से लेके सितंबर तक ये अपनी ग्रोथ करता है और साथ में फ्लावरिंग भी करता रहता है फ्रेंड्स। और दूसरी वैरायटी जो है इसकी फ्रेंड्स, वो है हाइब्रिड। तो वो इससे, इसकी कंपैरिजन में वो ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, ज़्यादा टाइम तक वो फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। और उसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो कलर्स मैं बताऊँ, रेड, पिंक, डार्क पिंक, वाइट, रेड, ऑरेंज, रेड, बहुत सारे कलर्स हैं, येलो। तो बहुत प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो ये प्लांट इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है कि इजी टू ग्रो भी है, इजी टू केयर है। इसको ज़्यादा, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती और इसे कहीं भी लगा दो, किसी भी जगह में लगा दो, छोटे से छोटे कंटेनर में, प्लांटर में लगा दो आप, किसी भी तरह की मिट्टी में लगा दो फ्रेंड्स, रेत में लगा दो सिर्फ, उसमें भी ये बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है, अच्छी फ्लावरिंग करता है। खाद की भी डिमांड नहीं करता, आप साल में बस दो बार इसे खाद फर्टिलाइज कर दो, खाद डाल दो, गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद से आप इसको फर्टिलाइज कर दो, पानी में भिगोकर सड़ी हुई गोबर की खाद का पानी इसे आप डाल दिया करो महीने में दो बार फ्रेंड्स, तो भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और जब हम बात कर ही रहे हैं फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की, तो मैं इसका दूसरा फर्टिलाइज़र भी बता दूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र है, NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र है। आप उसे एक चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके अच्छे से डिसॉल्व होने के बाद इस पर स्प्रे कर सकते हैं या इसमें डाल भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये अच्छी ग्रोथ करता है, फ्लावर्स बड़े देगा और कलर्स भी उसके अच्छे आएंगे। तो ये खाद की बात बताई, वाटरिंग आप संभल कर करें, ज़्यादा बैलेंस्ड वे में करें, ज़्यादा इसे सूखने ना दें, इसकी मिट्टी को गीली ही रहने दें फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं लेकिन हाँ गीली रहने दें। और ये फुल सनलाइट लविंग प्लांट है, तो इसे सिर्फ सनलाइट में ही रखें फ्रेंड्स, सिर्फ सनलाइट में ही इसे रखना है, क्योंकि ये सनलाइट में ही अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छे फ्लावर्स देगा। अगर आप इसे शेड में रखोगे तो ये फ्लावर्स तो देगा लेकिन इसके साइज छोटे हो जाएंगे और अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसे सनलाइट बहुत पसंद है फ्रेंड्स, आप इसके नाम से भी जान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 o'clock, 10 o'clock से इसका क्या मतलब है इस प्लांट का फ्रेंड्स। तो इसे सनलाइट बहुत ज़्यादा प्यारी है, सनलाइट के बिना ये ग्रोथ नहीं करता, ना ही ये अपनी अच्छे फ्लावरिंग देता है। तो सनलाइट इसे बहुत प्यारी है, तो आप इसे सनलाइट में ही रखें। इसकी मिट्टी भी बताई मैंने, फर्टिलाइज़र इसे गोबर की खाद बता दिया, NPK भी बता दिया कि आप डाल दिया करना फ्रेंड्स। तो बहुत सारे कलर्स आते हैं, इसकी दो वैरायटी होती है, हाइब्रिड और नॉर्मल। और वाटरिंग इसे संभल के करें, इसकी प्रोपोगेशन इसके ब्रांचेस से होती है फ्रेंड्स। आप जो ये लंबी लंबी इसके ब्रांचेस देख रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्रांचेस हैं ये आप 1.5 से 2 इंच की भी तोड़ के इसकी डंडी लगा दोगे फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाता है और फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा 1 से 1.5 महीने में। तो इस प्लांट की खास बात ये है फ्रेंड्स कि ईजी टू ग्रो है, बड़ी आसानी से चल जाता है, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता, कहीं भी लग जाता है फ्रेंड्स। इसके ज़्यादा नखरे नहीं है कि मुझे ज़्यादा फर्टिलाइज़र दो और मुझे यहाँ शेड में रखो या यहाँ रखो, बस इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि प्रॉपर सनलाइट इसे मिलनी चाहिए तभी ये फ्लावरिंग करेगा। सन निकलते के साथ 9 से 10 बजते ही अपनी फ्लावरिंग शुरू कर देता है फ्रेंड्स। कड़ी धूप में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और सूरज के अस्त होते ही अपनी फ्लावरिंग बंद भी कर देता है फ्रेंड्स। तो इसकी खास बात यही है फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं फ्रेंड्स कि ये जो फ्लावर्स निकल के स्पेंट हो जाते हैं, जो काला काला आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फूल निकला था ये सूख गया पूरी तरह से,
तो आप इसे बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है, या आप इसे हटा दिया करें, वरना ये अपने सीड को डेवलप करने लगेगा, अपने बीज तैयार करने लगेगा, जिससे फ्लावर्स आने कम हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स जब सीड डेवलप करने लगेगा तो ये अपने जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है प्लांट की, वो सारे वो सीड पॉट बनाने में, इस सीड बनाने में इसके अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा सीड्स को, तो बाकी फ्लावर्स छोटे आएंगे और कम आएंगे। तो आप अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो आप इसे हर दिन हटा दिया करना, जब भी आपको टाइम मिले तो ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा फ्रेंड्स। तो अगर आप फ्रेंड्स इसकी पेस्टिसाइड के बारे में बताऊं कि अगर इस प्लांट में कीड़े लग जाते हैं तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर दिया करना महीने में एक बार, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के, वो बेस्ट है। और इससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और कीड़े नहीं लगेंगे और इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। और इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आप इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 1 से 2 दिन तक भिगो कर रखें और उसी का पानी इसे महीने में 2 से 3 बार डालें, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा फ्रेंड्स। और इसे सनलाइट में, इस वीडियो को ख़त्म करने के वक्त तक ये बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसे सनलाइट में ही रखें, सनलाइट में ही रखें, डायरेक्ट सनलाइट में रखें, तभी ये अच्छी ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग तभी ये अच्छी करेगा फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है मैंने इस प्लांट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना फ्रेंड्स। चलते चलते मैं दिखाऊँ, मैंने इसे एक हैंगिंग पॉट में लगाया है, ये देखो, ये मैंने घर में ही बनाया है फ्रेंड्स, बॉटल से, बॉटल को काट के। मेरे पास उस समय जब मैंने ये प्लांट लिया था, ख़रीदा था, उस टाइम पे मेरे पास कोई भी पॉट खाली नहीं पड़ा था, तो मैंने एक प्लास्टिक की कोको कोला की बॉटल को ही आधा काट कर उसमें मिट्टी डाल के और उसकी अच्छी वेल ड्रेन बना के उसमें मिट्टी डालकर उसमें इसको प्लांट कर दिया था। तो अच्छी ग्रोथ चल रही है, आप तो देख ही सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना फ्रेंड्स, शेयर करना मेरे वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।